मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बाकी रह गए, ऐसे में राजनीतिक रैलियों और नेताओं का वार पलटवार जारी है। इसी चुनावी माहौल में एमपी के दमोह में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की रैली आयोजित हुई। इस रैली में प्रियंका ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जल्द ही मौजूदा सरकार की विदाई होने वाली है। रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए प्रियंका ने कहा कि पिछले 3 सालों में सिर्फ 21 रोजगार ही दिए गए हैं। अपने भाषण में उन्होंने उद्योगपति को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि देश में जितनी बड़ी बड़ी संपत्ति थी अपने उद्योगपति मित्रों को सौंप दिया गया। अगर देश में पैसा नहीं है तो अडानी जैसे उद्योगपति के हजारों करोड़ आपने माफ कर दिए। उत्तर प्रदेश में भी रोजगार के नाम पर सिर्फ घोटाले हो रहे हैं। प्रदेश में कई पद अभी भी खाली है लेकिन भर्तियां बंद रखी गई है। रोजगार के जो माध्यम है वो लगभग बंद हो चुके हैं। तो पलायन किस लिए हो रहा है? क्योंकि रोजगार आपको मिल नहीं रहे। और रोजगार क्यों नहीं मिल रहे हैं? आपने कभी सोचा है कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हमारे देश में। यहाँ मध्य प्रदेश की जो सरकार है, पिछले 3 सालों में इन्होंने 21 रोजगार दिए हैं। 21 रोजगार। अगर इतनी बेहाल स्थिति नहीं होती तो हास्य स्थिति होती कि एक सरकार जिसके पास सत्ता है, जो 18 सालों से सत्ता में है, वो मात्र 3 सालों में मात्र 21 रोजगार दे रहे।